पिछली बार का मंच उधर था, उधर के लोग बेचारे आनंद में थे, इधर के लोग बेचारे आराम से बैठ के देख रहे थे। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस बार मंच इधर, अगर आपसे ये आग्रह है कि आप बैठ जाओ, बैठ जाओगे तो जो पीछे साथी बैठे हैं उनको बुरा नहीं लगेगा, बैठ जाओ। बहुत 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 धन्यवाद, बैठ जाओ। देखो समय हो गया ज्यादा, लगभग मीडिया के लोग बैठो गया तो फिर इधर हो, इस तरफ आ जाओ, आपको ऐसे खराब हो रहा है। अब आपने नेताजी की दिखा दी ना, छोड़ दो हमारी, हमारी तो ये घर जाके बता देंगे, बिल्कुल समझा देंगे, या फिर बैंक के खींचो फोटो, जल्दी से बैठ जाओ, खराब मत करो। मांडलगढ़ की ये क्रांतिकारी धारा यहां उपस्थित हजारों हजारों की संख्या में हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग, बीच में बड़ी उम्मीद से बैठी हमारी माताएं बहने, छोटे भाइयों बच्चियों, आज चुनावी सभा में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं बहुत कम समय में बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच अपनी बात रखूंगा और मेरा ये विश्वास है कि मेरी बात का, मेरे आने का और जो उम्मीद मैं आपसे करता हूं, हमारी इस एकता का एक मजबूत निर्णय 25 तारीख को ईवीएम पे बोतल का बटन दबा के आप लोग लोगे और उसका परिणाम जो होगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात मान के आप लोग बैठे, और 10 मिनट अगर आप ऐसे बैठे रहे तो इससे साबित हो जाएगा कि आपके मन में अगर कोई इच्छा है तो आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, प्यारे भाइयों और इस क्षेत्र के जिम्मेदार साथियों। पहली बार चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव तो 52 से अब तक चल ही रहा है, जिस चुनाव में देश के हर एक नागरिक के पास जो बालिग है इतनी शक्ति है कि अगर वो जिम्मेदारी से वोट दे तो अपने भविष्य का, अपने वर्तमान का, कोई भी समस्या उसके जीवन में हो उनका वो उन समस्याओं का इलाज कर सकता है और अपने जीवन को मजबूत बना सकता है। क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और ये 6वीं-7वीं सभा है, सभा में तो हम 2-3 घंटे पहले आ जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर रात में उड़ता नहीं है, लेकिन यहां आने के लिए संकल्प था कि चाहे कैसे भी पहुंचना पड़े, जब मांडलगढ़ के लोग अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उनकी उनके प्यार के लिए मैं और हनुमान जी भी उनके बीच चल के उनके विश्वास को मजबूत करेंगे, समय चाहे कितना लग जाए। मगर प्यारे भाइयों, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि आप यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप किसी की सभा देख लो, ये भैरवलाल जी की मेहनत की देन है, आपका जो विश्वास हम दोनों पे है ये उसकी देन है। यहां जो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनके संघर्ष की देन है कि आज आप इस समय 10 बजे इतनी बड़ी संख्या में, देश के प्रधानमंत्री आते हैं 2-3 हजार लोग होते हैं और वो भी अगर 2 घंटे लेट हो जाए तो उनको 5 बजा के निकल जाते हैं कि छोड़ो हमें नहीं सुनना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैं क्या कहूं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना, उनका समय चला गया है, वो एक्सपायर डेट में चले गए, और एक्सपायर तो दवाई भी नहीं खाता आदमी, एक्सपायर दवाई खा ले तो बीमार हो जाएगा उल्टा। तो यहां 3 प्रत्याशी मजबूत मैदान में, पहले प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी 5 साल की सरकार आपने देख ली, नौजवान पढ़ लिख के और किसान उसके पिता
या मजदूर करने वाले मजलूम कमजोर परिवार के जो बच्चे हैं पढ़ लिख के इस उम्मीद में कि नौकरी मिलेगी। नौकरी तो पहले तो भर्ती नहीं आती, और भर्ती आ जाती है तो मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री विधायक और ताकतवर लोगों के बच्चे बसों में बैठ के पेपर दे देते हैं और वो नौकरी लग जाते हैं और गरीब के बच्चे तमाशा देखते रह जाते हैं और उनके सपनों को लूटने काम कर देती है सरकार। मैंने तो इस सरकार को, मैंने मध्य प्रदेश की सरकार भी देखी, दिल्ली की सरकार भी देखी। कान से सुनोगे या आंख से सुनोगे ये तुमसे पूछ रहे हैं। मछली की आंख पे निशाने पे ध्यान रखो, कहां कहां टकरा रहे हो यार। जो शिकारी होता है वो कहां नजर रखता है, शिकार पे तुम कहां नजर रख रहे हो बताओ। चुप हो जाओ, हमारी कमी है सदियों से। हम इस देश में, इस प्रदेश में, इस हालात में है, इसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। हाँ मैं बताऊंगा ना, अभी आपको समझ आएगा। अभी जिम्मेदारी बेनीवाल जी ने मुझको दी है कि आप ही बता दो कि क्या चल रहा है। मैंने मध्य प्रदेश की सरकार भी देखी, दिल्ली की सरकार भी देखी, केंद्र की सरकार भी देखी, राजस्थान की सरकार भी देखी, और हमारे भीम आर्मी के नौजवान सिपाही यहां बैठे। इतना अन्याय पिछले 5 साल में हुआ। थाना गाजी, चूरू, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रायगर, कार्तिक भील, तोला गुजर, पूरन रेगर, इतना अन्याय। और चलो अन्याय को हम समझते हैं कि सामंतवादी शक्तियां मजबूत हैं, लेकिन अन्याय करने वाले को सरकार छूट देती है। अभी जब मैं यहां आया, एक कागज मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मुझसे कहा, यहां एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग होंगे, कैलाश पैरवा निवासी मुकनपुरिया मांडलगढ़, मेरी माता जी को दिनांक 9 नवंबर 2023 जिनका नाम छोटी देवी पत्नी नंदलाल बैरवा के कहने लूटने में अज्ञात बदमाशों ने महिला को निर्मम हत्या कर सबको आधा किलोमीटर घसीटा और एक गिरफ्तारी नहीं हुई, एक गिरफ्तारी नहीं। पुलिस के अधिकारी एसी के कमरों में बैठे हैं, जिलों के अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन के एसी के कमरे में बैठे, गरीबों की बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा। और तुम्हें तो यही तुम्हारे पड़ोस में तोला गुजर को इसी हालत में और फिर जला भी दिया। अगर कानून का राज होता तो किसी गुंडे की हिम्मत नहीं बढ़ती। आज तो गुंडों को सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, नासिर जुनैद को उठा के ले गए यहीं से और हरियाणा में जाकर पीटा, और इतना पीटा कि जब तक वो मर नहीं गए। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भाजपा की सरकार है, मिली जुली सरकार है, और दोनों बच्चों को मार मार के इस हालत में कर दिया कि जब वो किसी लायक नहीं रहे तो गाड़ी में रखकर जिंदा जला दिया। और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब हमने पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में, चार चार प्रदेशों में संगठन है, हर जिले में आंदोलन कर रहा। मुख्यमंत्री को लगा ऐसा ना हो मुसलमान नाराज हो जाए तो उनके घर चला गया और जाके उनको बेवकूफ बनाने का काम किया। आप पूछ कर देखो उस परिवार से क्या दिया मुख्यमंत्री। गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई कि उठा ले जाते हैं यहां से। और हम तो कह रहे हैं, अब तो आप जानते हो इंद्र मेघवाल के घर में 4 बार आया, मुझे एयरपोर्ट से रिटेन करके दिल्ली छोड़ के आते हैं। और यहां के जो कमजोर वर्गों के अपने नेता बनने की बात करते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब कांग्रेस बीजेपी में नेता, वो तुम्हारा भला कर देंगे, वो तो तनख्वाही है, उनको तनख्वाह मिलती है, और वो तनख्वाह जब अपना घर चलाते हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं कि आपके ऊपर हुए एक अन्याय पर मुंह से कुछ आवाज निकाल दें। ये लोकतंत्र आपकी वोट में शक्ति है। मैं चुनाव में आज पहली बार आपके विचार वोट मांगने पहली बार आया हूं, लेकिन जब भी कहीं किसी कमजोर पे, किसान पे, नौजवान पे, महिला पे अन्याय हुआ देश के किसी कोने में, चाहे सीएम पे एनआरसी का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, महिला पहलवानों के सम्मान का मामला हो, और यही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 25 सितंबर को
गुर्जर महाकुंभ हुआ, पता नहीं भारत लाल को पता है नहीं पता है, और पुलिस ने लाठियां मार के जेल में बंद कर दिए और घर से उठा लगी सरपंचों को और खाल उतार दी, 20-20 बार पीटा, रासू का लगा दी, इनाम घोषित कर दिया। मैं गया रविंद्र कुमार भाटी जी को लेकर ग्वालियर और कहा डीएमएसएसपी को कि चाहे कितने बैरिकेडिंग लगा लेना, अगर हमारे लोग नहीं छोड़े, उनका इनाम नहीं खत्म किया और उनको ये जो टॉर्चर करे बंद नहीं किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की तुम्हारी, तब जाके डरे, तब जाके उन गरीबों को न्याय देने का काम किया। इनके भरोसे लड़ोगे, कांग्रेस को हराने को भाजपा को वोट देते हो और भाजपा को कांग्रेस को, और 5-5 साल दोनों बढ़िया आराम से मौज काटते हो। मैं समझता हूं जब आप में विकल्प नहीं था मजबूर थे, लेकिन अब आप में विकल्प है। आप 1 रुपए की माचिस खरीदोगे 4 बार देखोगे माचिस खुली भी तो नहीं है, आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे 1000 बार देखोगे कहीं कोई कमी तो नहीं है। करोड़ों रुपए से भी कीमती वोट जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों कुर्बानी के बाद दिलाया और लड़के दिलाया सामंतवाद और राजा महाराजाओं से, ताकतवर लोग कहते वोट का अधिकार उसको मिलेगा, जो जमींदार जिसके जो लगान देता है, जिसके बड़े बड़े बिजनेस है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बाबा साहब ने कहा नहीं, ऐसा लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं होगा जब चंद लोग फैसला करेंगे, लोकतंत्र तब लोकतंत्र होगा जब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, जब जनता जिसको वोट देगी वो आगे बढ़ के जाएगा और वो उनकी समस्याओं के लिए लड़ेगा, तब लोकतंत्र का सपना साकार होगा। हमारे लोग वोट देते आ रहे हैं और वोट देने के सोचते कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इनको वोट देके आपकी कौन सी जिम्मेदारी खत्म है, वो जिम्मेदारी आपकी तब खत्म होगी जब राजस्थान में जो अमीरों को सुख सुविधाएं मिल रही है वो किसान का मेरे नौजवान मजलूम हर गरीब के घर तक पहुंचेगी, हर बहन मां खुशहाल होगी, सुरक्षित होगी और किसान को एमएसपी गारंटी मिलेगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा। और जिस तरह से मंत्री जी गाड़ी निकलती है सायरन देके, आम आदमी भी टोल के बूथ से निकलेगा और उसका कोई पैसा नहीं खर्च होगा। ये तो वो सरकारें हैं, अगर जेब में आपके फास्टैग नहीं तो दुगने पैसे दो। आप समझते हो लोकतंत्र की शक्ति, अभी एक कानून बना कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा एमपी साहब, कोरोना काल आया, जनता जूझ रही थी रोटी रोटी के लिए, सरकार ने कानून बनाया मास्क नहीं लगाओगे तो 500 रुपए का जुर्माना। क्या कभी आपने सोचा था कि मास्क लगाना पड़ेगा और मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए जेब से काट ले जाएंगे। सरकार में ताकत होती, मैं आपसे जिम्मेदारी के तौर पर कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आप अपनी पूरी समस्या एक लिस्ट मुझे इन्होंने दी, हमारे साथी ने, और वो बोल भी रहे थे कि 8 ग्राम पंचायतें शाहपुरा जिले जो नव गठित हुआ भीलवाड़ा की उसमें भेज दी, धान लियास बड़लियास की को तहसील का दर्जा हटा दिया और कठेड़ी की 5 पंचायतें शाहपुरा में भेज दी, कैसे लाओगे वापस? भीड़ों के हल्ला मचा दिया, ये जिला बनाने के बाद ताकत किसने दी मुख्यमंत्री को? आपकी वोट नहीं तो दी। अगर आप अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, मैं ये कह रहा हूं एक लिफाफा बनाओ उसमें समस्या लिखो और अगले 6 दिन खूब मेहनत करो और तय करो कि भैरूलाल नहीं लड़ रहा, हम लोग लड़ रहे हैं, और अपना एक एक वोट भैरूलाल के लिए तैयार करो और भैरूलाल को जमकर वोट करो। और आप ये जानते हो त्रिशंकु विधानसभा आएगी, ना भाजपा की कोई आंधी चल रही है ना कांग्रेस की, क्योंकि जनता दोनों से दुखी है, उनको मजबूर थे कि इनको एक दूसरे को वोट देनी पड़ती थी, अब मजबूर नहीं है, अब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद खड़ा है और दूसरी तरफ हनुमान जी बेनीवाल खड़े हैं और बीच में हमारे प्रत्याशी, न इनको भागने देंगे न आपकी समस्याओं को रुकने देंगे, आपकी समस्याओं का पूरा इलाज करके जाएंगे, इस बात को आप याद रखें। ऐसा नहीं कि हमें एक बार आपसे वोट चाहिए, हम तो रिश्ता बनाने के लिए आए मांडलगढ़ से, कि जब भी मांडलगढ़ पे एक भी अन्याय की आंख उठेगी किसी भी कमजोर कमेरे मजलूम नौजवान की तरफ, के लिए आज हम लोग यहां आए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे और बहुत नेता आए होंगे आपके बीच में, मैंने तो जब मेरे पास पार्टी भी नहीं थी भाई तब मैं 16 महीने जेल में रहा और दोष क्या था कि जब ताकत में लोग मेरे लोगों को पीट रहे थे मैं सामने खड़ा हो गया, नहीं ये नहीं चलेगा,
जब सीबीआई ईडी के अंदर देखा आज आपने नेता भी हिम्मत रखा, ईडी आ जाती तो जीप निकल जाती बाहर। इतना भ्रष्टाचार किया हुआ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स अंडर जाते हैं, हम पे जोर दिखाते नहीं दिखा पाए और उनको लगता है कि ये आदमी तुम्हें भविष्य में नुकसान करेगा तो चार चार गोली चला दी। आपका इतना प्यार आशीर्वाद हुआ है कि उनकी गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर मैं तीसरे दिन भरतपुर में खड़ा था इस चैलेंज के साथ कि नहीं डरेंगे, क्यों मेरे जैसे व्यक्ति को मारने की जरूरत है। मैंने अब तक जितनी बातें कही किसी का बुरा थोड़ा कहा, आपके लिए लड़ाई लड़ने की बात की। मैंने कहा मैं जब मैं नाम इतनी था मेरे पास पॉलिटिक्स, तब मैं एनआरसी में जेल गया। आपका कोई नेता गया और तो बताओ मेरे मुसलमान भाइयों, जितने लोग यहां हाथ उठा के बताओ अगर एक गया आपके राजस्थान का जेल, जिनको आपने वोट देकर ताकत दी, छोड़ा चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल को, जो आपके लिए लड़ता हो आप तय करो कौन लड़ेगा आपके लिए जब आप लड़ने वाले का साथ नहीं दोगे। ये भाजपा कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में याद करो, भाजपा से पिटे हुए लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, आप जिम्मेदार लोग हो, डेढ़ साल में वो कांग्रेस ही पिट के भाजपा में हो गए, क्या करोगे अपनी वोट इनको देंगे। ये तो इनका बीच में ये प्रयास कर टूट टाट के कुछ और बन जाए, आपको समझ नहीं आया कि एक ही लोग है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका एक मतलब है राज करो, राज करो, राज तुम्हारे ऊपर तो करेंगे, जब तुम ताकतवर हो जाओ कैसे राज करेंगे। आप अपनी पगड़ियों को मान रखो, आप अपनी ताकत को समझो, ये लोकतंत्र है, आपके हाथ में बटन आएगा, आप जिसको चाहे बना दो और जिसको चाहे बिठा दो। आपने सबको तो देख लिया, धर्मलाल थोड़ा जीतेगा, चंद्रशेखर आजाद जीतेगा, हनुमान जी बेनीवाल जीतेंगे, क्षेत्र जीतेगा, मानलगढ़ की जनता जीतेगी, नौजवान किसान जीतेगा और वो बहने माँ जीतेंगी जो सुरक्षित है। आप एनसीआरबी का डाटा तो पढ़ो, एक नेता जी आके भाजपा के बयान देते हैं कि ये गुरुद्वारे और मस्जिदें, आपने सुना हो ये गुरुद्वारे और मस्जिदें यहां नासूर बन गई है, इनको उखाड़ फेंको। मैंने आज ही कहा और मैंने उसी सीट पे जो नेताजी ने, बड़े नेताजी ने जो बयान दिलवाया एक छोटे से नेता से, मैं उसी सीट पे गया था बांसूर कहीं तिजारा, और मैंने कहा कि वहां भाजपा का प्रत्याशी तो फैटना है ही नहीं, कहीं वो तो बहुत पीछे है, वो तो बाहर का आता कोई मतलब ही नहीं है, वहां वो एमपी बना के लोगों ने देख लिया कि वो कुछ करते किसी काम का नहीं, उस पर जोर मत लगाओ। लेकिन उन्होंने बयान क्यों दिया कि जो लोग तैयार हो रहे हैं तीसरे विकल्प को वोट देने के लिए वो बढ़ जाए। और मैंने भी ये कहा आज उनसे कि अगर गुरुद्वारे मस्जिदें या किसी भी धार्मिक स्थल की तरफ हाथ उठा के देखोगे तो ये सड़कें बंद करके तुम्हारी कुर्सियों से तुम्हें खींचने का काम हम लोग करेंगे, इस बात को आप लोग याद रखना। अभी आपने निकम्मे लोगों को ताकत दी, इस बार भैरूलाल आपके बीच में, भैरूलाल हमारे प्रत्याशी के तौर पर है और हम दोनों भाइयों ने तय किया है कि हम प्रयास करेंगे, हम ये प्रयास करेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास रहे। आप कोई अखबार उठा के देखो चाहे हमारे कितने खिलाफ हो, कोई चैनल उठा के देखो चाहे हमारे कितने खिलाफ हो, चाहे उसका मालिक भाजपा कांग्रेस का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसको भी लिखना पड़ रहा है कि गठबंधन बहुत मजबूत है। इसका अच्छा परिणाम सुनो ना, अभी आपने देखा कि आखिरी दिन कांग्रेस ने अपनी लिस्ट रिलीज की हो प्रत्याशियों की, भाजपा की कभी आप देखा आखिरी दिन रिलीज की हो, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ आखिरी दिन रिलीज करनी पड़ी, इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सबको पता था कि कोई रुक नहीं रहा है, तीसरा विकल्प है, लोग भागे भागे जाएंगे, जनता तैयार बैठी है। आज हालात भी ऐसी हैं, हम इतनी सीटें जीत के जाएंगे कि हमारे जरिए सरकार बनेगी, और आप ये सोचो जब सरकार बनाने की चाबी हमारे पास होगी तो फिर आपको अपनी समस्याओं के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या। जब आपके बीच का व्यक्ति, किसान का बेटा, आपके लिए लड़ने वाला, आपके लिए जान हथेली में रखने वाला हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का, तो आप बताओ आपकी समस्याओं का हल होगा या नहीं होगा। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सुरक्षा की समस्या हो, चाहे आपके जो गांव चले गए तहसीलों में उनकी समस्या हो, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार का, हमने तो देखिए ना सरकार, आप मौका दे दो, छह महीने के अंदर इंडस्ट्री लगवा गए आप 50,000 नौजवानों को रोजगार दिलाने का मॉडल दिया, राज कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
अपनी कीमती वोट को किसी भी कारण किसी की बातों में आकर खराब मत करना। चुनाव समीकरणों पर जीते जाते हैं। भगवान देवनारायण को मानने वाले लोग और भैरूलाल जी के समर्थन के लोग प्लस हम लोगों में बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों में आस्था विश्वास रखने वाले और हमारे संघर्ष का वोट और हनुमान जी बेनीवाल किसान कमेरों की आवाज उनका वोट, जब ये तीनों वोट संगठित होकर पड़ेंगे कैसे नहीं जीतेगा भैरूलाल। और जब भैरूलाल जीतेगा तो आप सब लोग जो होते विधायक आपके बीच का होगा, आपका आदमी बनेगा तो आपकी समस्याओं के लड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी वोट को खराब मत करना। हमने बहुत सोच समझ के कर दिया, बहुत प्रत्याशी थे दौड़ में, हमने तय किया कि अगर हमने थोड़ी थोड़ी मदद इनकी कर दी तो ये आगे बढ़ जाएंगे। और अब ये जिम्मेदारी आप पे, फैसला लो कि आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके आने वाली नस्लें, आपका वर्तमान और भविष्य राजस्थान में कैसे अच्छा हो। और अगर अपने भविष्य के बारे में सचेत हो तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर उनको ताकत दो, उनको काम करने का मौका दो। आप मुझे बताओ, आपने सबको सेवा का मौका दिया, क्या इस बार आप हनुमान जी बेनीवाल को सेवा का मौका दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे नहीं दोगे? जोर से उठा, ऐसे नहीं माना जाएगा। जो एक हाथ उठाएगा यानी कि वो आधे दिल से, जो दोनों हाथ उठाएगा उसको माना जाएगा कि वो पूरे दिल से है, और जो अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा उसको ये माना जाएगा कि उसने फैसला कर लिया कि वो राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करने वाला है। क्या मैं ये मैं तो मानू कि भाई भैरूलाल इस बार यहां से आगे बढ़ रहे हैं? दो जवान उठा के बताओ मेरे साथियों, वो जो